नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हरितालिका तीज क्या है और इसकी महत्व क्या है और कथा क्या है। हरितालिका व्रत को हरितालिका तीज या फिर तीजा भी कहा जाता है। यह व्रत भद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं भगवान शंकर और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करती हैं। यह व्रत प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि यह करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है। वहीं इस व्रत को पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। हरितालिका तीज का महत्व। मान्यता है सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियों को अपने इच्छा अनुसार पति पाने के लिए यह व्रत करती है। ऐसा माना जाता है, सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। उन्हीं का अनुसरण करते हुए महिलाएं माता पार्वती और शिव जी जैसा दाम्पत्य जीवन पाने के लिए यह व्रत करती हैं। हरितालिका तीज की कथा। कथा इस प्रकार है कि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सह न सकी। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और पूर्व जन्म की स्मृति शेष रहने के कारण इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती। पुत्री की यह हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता होने लगी और इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की। उसके बाद पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी तब तक शिव जी की तपस्या करती रही जब तक उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए। तभी से पार्वती जी के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ यह व्रत किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।